नमस्कार किशन भाइयों, जो लोग औषधीय फसलों की खेती करते हैं जैसे अश्वगंधा, सफेद मूसली, सतावर, कोंच, कलौंजी, अकरकर्रा, तो ऐसी जो औषधीय फसलें होती है उसमें हम किसी भी केमिकल खाद का उपयोग नहीं कर सकते। अगर हम केमिकल खाद का उपयोग करते हैं अगर इनमें, तो इनकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाती है, उसकी जो वास्तविक कीमत है, जो कीमत हमें मिलनी चाहिए इनसे, वो हमें नहीं मिल पाती। ऐसे में किसानों के सामने एक समस्या यह आती है कि वो कौन सी ऐसी खाद डाले, कौन सी ऐसी जैविक खाद इसमें इनमें डाले जिससे उनको कोई नुकसान भी नहीं हो, फसल भी अच्छी खासी हो जाए और जो दवाई है वो भी सस्ते में उनकी बन जाए। तो किशन भाई, इसी बात को ध्यान में रखकर मैं आज आप लोगों को एक ऐसी खाद बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो 100% शत प्रतिशत कारगर भी होगी और कम खर्चे में भी तैयार हो जाएगी और 100% ऑर्गेनिक होगी, जैविक होगी, उसमें किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होगा। और आप लोगों ने नाम सुना होगा जीवामृत का, जिसे जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर भी बोलते हैं। इसको बनाने का तरीका आज मैं आप लोगों के सामने पूरा तरीका आप लोगों को बताता हूँ, जिससे आप लोग जीवामृत या वेस्ट डिकम्पोजर बनाकर अपने खेतों में दे सकते हो और इसका जो परिणाम होगा 100% सही होगा और आपकी फसलें एकदम मतलब ग्रोथ करने लगेगी। और जो भी बीमारी आपकी फसलों में है वो बीमारी इसी से खत्म हो जाएगी। तो इसको बनाने के लिए आप लोगों को जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें ऑलरेडी मैंने 2 किलो गुड़ यूज किया है, जो इसमें मैंने डाल दिया है। 2 किलो गुड़ आप लोगों को लेना है, उसके अलावा आप लोगों को 15 लीटर गौमूत्र लेना है, वो भी ऑलरेडी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके अलावा आप लोगों को 15 किलो लगभग गाय का गोबर, आप किसी भी पशु का गोबर या गौमूत्र यूज में ले सकते हो, अगर जहां तक हो सके तो आप लोगों को गाय का गोबर और गौमूत्र ही यूज में लेना है, ये ऑलरेडी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके अलावा आप लोगों को बेसन 1 किलो आप लोगों को शुद्ध अच्छा बेसन लेना है, जो हम लोग खाने में यूज लेते हैं, या फिर आप लोग किसी भी दाल का पाउडर भी काम में ले सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को ये 2 cc वेस्ट डिकम्पोजर की, ये आप लोगों को जो जैविक खाद बीज की दुकान जहाँ होती है वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहां से आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और ये जो है मात्र 20 रुपए की एक मिल जाएगी आप लोगों को कहीं भी। इसके अलावा आप लोगों को लगभग 1 से 1.5 किलो लगभग आप लोगों को मिट्टी लेनी है, और मिट्टी कहाँ से लेनी है आप लोगों को, मिट्टी बड़े जो बरगद का पेड़ होता है या पीपल का पेड़ होता है वहां से आप लोगों को मिट्टी लेनी है, या फिर वहां से मिट्टी लेनी है जहां पर किसी भी पेस्टिसाइड का जीवन में कभी भी उपयोग नहीं किया गया हो, वहां से आप लोगों को मिट्टी लेनी है, क्योंकि बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे ऑक्सीजन एनी टाइम रहती है, उससे वहां पर जीवाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, ये मिट्टी आप लोगों को काम में लेनी है। और आप लोगों को एक ड्रम ले लेना है 200 लीटर का, ड्रम में गौमूत्र और गुड़ और गोबर इसमें ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, और ये जो बेसन है इसका आप लोगों को पहले ही घोल बना लेना है ताकि इसमें अगर हम डालें तो आसानी से मिल सके, इसकी जो गुठलियां वो इसमें ना बने, ये सब चीजें आपको एक ड्रम में ऐड कर देनी है। और ड्रम आप लोगों को छाया में रखना है, धूप में आप लोगों को ड्रम नहीं रखना है, छाया में रखना है ड्रम को, और ड्रम भी आप लोगों का ढकावा रहना चाहिए, ढक्कन उसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए। किशन भाई, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि जानकारी आप लोगों को पूरी मिल सके, कोई भी बात अधूरी ना रहे और फिर आप लोगों को कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना रहे, क्योंकि जो मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ वो मेरे खुद के अनुभव के आधार पर दे रहा हूँ, YouTube या फिर किसी इंटरनेट की जानकारी के आधार पर मैं आप लोगों को जानकारी नहीं दे रहा हूँ। ये जो वेस्ट डिकम्पोजर आएगा वो इस तरह का आएगा, जैसे ग्रीस होता है उस तरह से ये रहता है। तो ये आप लोगों को एक ड्रम में 2 डिब्बी डालनी है, इसको आप लोगों को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, मैं आप लोगों को कैसे यूज करना है
और कितने दिन में ये तैयार हो जाएगा, वो सभी बातें इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये सब चीजें डालकर आप लोगों को, ये जो ड्रम है, पहले तो इसको आप लोगों को किसी लकड़ी की सहायता से अच्छे से मिला देना है। कोई आप लकड़ी या कोई भी डंडा ले लीजिए ऐसे, और इन सब चीजों को अच्छे से इसमें मिला दीजिए। मिलाने के बाद में आप लोगों को ड्रम को पूरा पानी से भर देना है। और इसके अलावा आप लोग इसके अंदर जो नीम की पत्तियां हैं, लगभग तीन से चार किलो आप नीम की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़े आप लोगों को कर लेना है। इन पत्तों को आपको अलग अलग करके इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, और उसके बाद में इसी ड्रम में ऐड कर देना। इसके अलावा आप लोग तीन चार ऐसे पेड़ पौधों के पत्ते भी यूज कर सकते हो जिनको कोई भी जानवर नहीं खाता हो। इसके अलावा आप लोग एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का इसमें डाल सकते हो जो आपकी फसल में आयरन की पूर्ति करेगा, एक छोटा सा टुकड़ा तांबे का इसमें डाल सकते हो जो कॉपर की पूर्ति करेगा। और इसके बाद में आप लोगों को ये ड्रम को छाया में रख देना, ढककर रख देना, और रोज इसको हमेशा दो या तीन बार आप लोगों को इसको हिलाते रहना है, और लगभग 7 हफ्ते भर में ये आपकी जो खाद है वो तैयार हो जाएगी, और ये 100% कारगर साबित होगी आपकी फसल के लिए। और फसल के अंदर कोई भी बीमारी आपकी फसल को छू भी नहीं सकेगी, 100% ये आपकी फसल में काम करेगी। और ये जो एक ड्रम है आपकी एक एकड़ की फसल के लिए काफी है, एक एकड़ की फसल के लिए एक ड्रम पर्याप्त है। और ये काम आप लोगों को हर 20 दिन में आप लोगों को करते रहना है। हर 20 दिन में आप लोग अपनी फसल में ये वेस्ट डिकम्पोजर आप लोग देते रहिए। अगर आप लोगों क्यारी से अगर आप लोग सिंचाई करते हो तो कोई भी ऐसा आप जुगाड़ बना सकते हो जिससे थोड़ा 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 करके पानी के साथ में ये जाता रहेगा। और ड्रिप सिस्टम है तो आप ड्रिप में भी आप ऐसा जुगाड़ बनाकर ड्रिप की सहायता से अपनी फसल को दे सकते हो, और हर 20 दिन में आप लोगों को ये देते रहना है। इसके अलावा अगर आप लोगों की फसल के ऊपर से पत्ते कट रहे हैं या ऊपर कोई कीड़ा लग रहा है तो आप इसका स्प्रे भी करवा सकते हो, तो ऊपर का कीड़ा भी मर जाएगा और अंदर फसल की जड़ें भी मजबूत होगी और फसल आपकी एकदम हरी भरी रहेगी। और ये जो दवाई है वो पूरी तरीके से जैविक है जो आपकी फसल को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो किसान भाई, इस तरीके से आप वेस्ट डिकम्पोजर या जीवामृत बनाकर अपनी जो औषधीय फसल है उसमें आप दे सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हो। ये 100% कारगर साबित होगी। धन्यवाद।